प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश के कोने कोने से कलशों में मट्टी इकट्ठी की जा रही है। इस अभियान के तहत आज अम्बाला के विधायक असीम गोयल शहीद मेजर अमित आहूजा के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमर शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि सन 2001 में श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में पाक सेना द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए गोलाबारी की गई, जिसमें दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मेजर अमित आहूजा जख्मी हो गए थे, जिसके बाद वे शहीद हो गए। आज भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीद मेजर अमित आहूजा के भाई अतुल आहूजा ने अपने घर की मिट्टी कलश में भेंट की। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि देश भर से शहीदों के घरों की मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। आज हम शहीदी दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी के एक जो हमारे केंद्रीय कार्यक्रमों की सूची है उसके नाते आज हम मना रहे हैं। और आज जैसा एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभियान एक जो चल रहा है उनके संरक्षण में मेरी माटी मेरा देश, उस नाते आज हम जो हमारे अम्बाला के लिए नहीं पूरे हरियाणा के लिए भारत के लिए जो मिसाल हैं, जो शहीद मेजर अमित आहूजा जी हैं उनके घर हम पहुँचे हैं। उनके बड़े भाई अतुल आहूजा जी और उनकी भाभी संगीता आहूजा जी से हमने आज एक कार्यक्रम के नाते जो उनके घर की मिट्टी है उसको सम्मान प्राप्त किया है और ये कलश जो है दिल्ली जाएगा। और जो ये शहीदी एक स्मारक बन रहा है उसके अंदर पूरे देश से जितने भी हमारे महान शहीद हुए हैं उनके घरों की मिट्टी को लाकर जो है उस स्मारक को बनाया जाएगा। एक ऐसी परिकल्पना हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसी कार्यक्रम के नाते हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं। भाजपा द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश के कोने कोने से कलशों में मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। वहीं 31 अक्टूबर तक इस मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी और शहीदों को नमन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।